अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टपल्स के कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप लोग टपल्स पर लगा सकते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, जब हमने लिस्ट की बात की थी तो हमने लिस्ट के मेथड्स की बात की थी। हमने कहा था कि यार ऐसे हम लोग लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या हम टपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं? नॉट इन अ डायरेक्ट वे। अगर आपको टपल को चेंज करना है, अगर आपको ऐड करना है टपल में एक वैल्यू या फिर आपको रिमूव करना है कोई वैल्यू, तो डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है ये करने का। आपको उसको कॉपी करके एक लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट में चेंजेस करने होंगे और दोबारा उसको टपल में चेंज करना होगा। क्योंकि टपल का पॉइंट ही ये होता है कि आप लोग चेंज ना कर पाएं उसको। अगर उसमें 5 आइटम्स हैं तो 5 ही रहेंगे, छठा आइटम ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं टपल के जो कि आपको ये बताते हैं टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टपल्स आर इम्यूटेबल, जैसे कि हमने देखा। इफ़ यू वांट टू ऐड, रिमूव और चेंज टपल आइटम्स, देन फर्स्ट यू मस्ट कन्वर्ट द लिस्ट टू अ टपल, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद वापस आप उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लिया है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें। एक यहाँ पर टपल बना हुआ है, मैंने क्या किया, टेम्पररी लिस्ट बनाई एक, उसके बाद उसमें अपेंड किया रशिया, फिर पॉप किया, मैंने एक पॉप मेथड है उसको यूज़ किया लिस्ट के, और उसके बाद मैंने थोड़े चेंजेस किए उस लिस्ट में, और फाइनली मैंने उसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं टपल को इनडायरेक्टली, बट नॉट डायरेक्टली, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, दस वी कैन कन्वर्ट द टपल टू अ लिस्ट, मैनिपुलेट आइटम्स एंड वापस उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर, वी कैन डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट टू टपल्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू लिस्ट, क्योंकि हम एक नया टपल बना रहे हैं, हम किसी एक एग्जिस्टिंग टपल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक नया टपल बना रहे हैं। तो जब हम दो टपल्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो एक नया तीसरा टपल बन रहा है, ठीक है, तो वो बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये एग्जांपल्स क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैं इसलिए मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, यहाँ से आप कॉपी करके खुद से भी रन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के नाम और इन कंट्रीज़ के नाम दोबारा से जो है मर्ज होकर एक नया टपल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं टपल के जो कि आप लोग को पता होने चाहिए, जैसे कि काउंट मेथड है जो क्या करता है कि बताता है कि एक लिस्ट के अंदर कितने अकरेंसेज हैं किसी गिवन चीज़ की। अब यहाँ पर देखो, टपल वन नाम से एक टपल बनाया मैंने, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ क्योंकि कैपिटल हम लोग क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पता चलेगी। मैं इसको ना स्मॉल टी कर देता हूँ, ठीक है, कुछ होगा नहीं ऐसा करने से। बट अगेन, एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि जो क्लासेस होती हैं उनको कैपिटल से लिखते हैं और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो, तीन बार आ रहा है तीन, इसलिए यहाँ पर तीन देखने को मिल गया मुझे कि भाई टपल वन डॉट काउंट थ्री आ रहा है, ठीक है। अगर एक और थ्री ऐड कर दूंगा तो फोर आएगा, ठीक है। जितनी भी अकरेंसेज होंगी थ्री की, कितनी बार थ्री आ रहा है इस टपल में, तो यहाँ पर चार बार आ रहा है तो चार आ गया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब इंडेक्स मेथड एग्जैक्टली वही करता है, क्या करता है कि रिटर्न करेगा फर्स्ट अकरेंसेज ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द टपल। अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू एरर रेज करता है अगर एलिमेंट नहीं है टपल के अंदर, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कहूँ कि भाई रेस इज इक्वल टू टपल वन डॉट इंडेक्स और उसके बाद थ्री करूँ, तो थ्री की पहली अकरेंस की इंडेक्स 0, 1, 2, 3 जो कि थ्री है वो हमें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसको 31 कर दूँ तब क्या होगा, 5 देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि ये फिफ्थ इंडेक्स पर आ रहा है अभी, ठीक है। तो देखो 5 देखने को मिल गया हमको, तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, ये तो मुझे 3 की अकरेंस मिल गई, अब जैसे कि मुझे पता है कि 3 की बहुत सारी अकरेंसेज हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि इतने पोर्शन में देखूँ बस 3 की क्या इंडेक्स है। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग दे दूँ, मैं सबसे पहले 0, 1, 2, 3 मान लो मैं 3 स्टार्टिंग दे दूँ, और उसके बाद मैं एंडिंग दे दूँ मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं काम करता हूँ इसको 4 कर देता हूँ और 7 कर देता हूँ या 8 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं 3 की यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या इंडेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, स्लाइसिंग कर लेगा इस टपल की 4 to 8, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है एक्स इज नॉट इन टपल, इनफैक्ट मैंने गलती कर दिया, जो 3 है ना ये स्टार्टिंग में आएगा, 3 स्टार्टिंग में आएगा, तो ये क्या करेगा 4:8 करके सबसे पहले स्लाइसिंग कर लेगा टपल की। तो 4:8 करके जब स्लाइसिंग करेगा ये टपल की, तब क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, फिर इसके बाद 5, 6, 7, तो 4:8 में ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि जो 3 की अकरेंस है वो क्या होगी, यहाँ पर आप देखो 3 की जो इंडेक्स है वो क्या होगी, यहाँ पर 5 होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ओरिजिनल टपल में फिफ्थ इंडेक्स पर आ रहा है 3, इसलिए 5 हमें देखने को मिला। अगर मान लो ये इसको मैं 31 कर दूँ तब क्या होगा, तब 5 देखने को नहीं मिलेगा, तब मिलेगा 7 देखने को,
तो क्या साथ देखने को मिल रहा है? यस, क्योंकि सेवेंथ इंडेक्स पर आ रहा है ये, ठीक है, इंडेक्स सेवन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आ रहा है, तीन, इसलिए सेवन देखने को हमें मिलेगा। तो इंडेक्स मेथड डायरेक्टली आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, ये वाला जो इसका स्टार्ट एंड वाला वेरिएशन है शायद ही आप यूज़ करो, ये वाला आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, बट अगेन मैंने आप लोग को बता दिया किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना वैल्यू एरर रेस करेगा अगर एलिमेंट टपल में नहीं है, जैसे कि अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, इसको मैं 3 की बजाय 3, 1, 1 कर दूं, तो ये एक वैल्यू एरर रेस करेगा, कहेगा 3, 1, 1 तो है ही नहीं आपके टपल में, आप कैसे प्रिंट करना चाह रहे हो 3, 1, 1 को, ठीक है, तो ये वैल्यू एरर रेस कर देता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो टपल के मेथड्स में एक लेंथ भी आता है, अगर आप लोग को मैं इस टपल की लेंथ दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टपल वन कर दूंगा इस तरह से, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मुझे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे टपल के जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता था। लिस्ट के सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, एक बार आपने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया तो, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपने जितने भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो वो कर लो और वापस से इसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दो। टपल की स्टेट में जब तक रहेगा ना ये, तब तक आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। टपल से लिस्ट में आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया, आप चेंजेस कर सकते हो, फिर उसके बाद चेंजेस करके आप दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दोगे, तो टपल में चेंजेस आप नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग टपल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया यार अभी तक, तो इसको ज़रूर से एक्सेस करें अभी के अभी, या क्लिक करके बुकमार्क करें, या क्लिक करके इसको सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।